नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं टॉप न्यूज हरियाणा। हरियाणा की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हरियाणा के किस जिले से हैं कमेंट करके जरूर बताएं। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के बाद फतेहवाड़ ट्रैफिक पुलिस अलर्ट। सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस जैसी सुविधा की हुई चेकिंग, ओवरलोडिंग पर काटे गए चालान। महेंद्रगढ़ के कनीना में गुरुवार को हुए भीषण स्कूल बस हादसे के बाद फतेहवाड़ जिला प्रशासन जाग गया है। शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस ने सुबह सुबह ही स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने बट्टू रोड मिनी बाईपास चौराहे पर नाकेबंदी कर आने जाने वाले स्कूल बसों को रोककर उनकी जांच की। इस दौरान 5 स्कूल बसों के चालान काटे गए। इनमें से एक बस बिना परमिट और बिना नंबर के चल रही थी। इसके अलावा एक बस में सीटों से अधिक बच्चे पाए गए। इसके बाद स्कूलों में भी जाकर वाहनों की जाँच शुरू कर दी गयी। शुक्रवार को पुलिस ने जिले भर के स्कूलों में बसों की जांच का अभियान चलाया गया। ट्रैफिक पुलिस प्रभारी हेतराम ने बताया कि दिन भर सभी स्कूलों बसों में जांच की जाएगी। हरियाणा रोडवेज रोहतक जीएम के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना। कर्मचारी बोले, भ्रष्टाचार की विजिलेंस जांच हो। आज प्रदेश के कर्मचारी जुड़ेंगे रोहतक में। रोहतक के बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारी जीएम के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने जीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि भ्रष्टाचार की विजिलेंस जांच की मांग की। साथ ही कहा है कि 13 अप्रैल को हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ का 16वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचेंगे। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ राज्य महासचिव जगदीप लाठर ने कहा है कि रोडवेज कर्मचारी पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस अवधि के दौरान जीएम रोहतक ऑफिस में नहीं पहुंचे हैं, जिसके कारण कर्मचारियों के काम भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। जीएम ऑफिस में भी उपलब्ध नहीं रहते, जिसके कारण कर्मचारियों के काम नहीं बनते। इसको लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने 10 अप्रैल से धरना आरंभ कर दिया था। जींद में 10 स्कूल बसें इम्पाउंड, चेकिंग के दौरान फिटनेस अधूरी, कागज भी नहीं मिले पूरे, 5 बसें एक ही स्कूल की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए स्कूल बस हादसे के बाद जींद में शुक्रवार को जिला परिवहन विभाग द्वारा 20 से ज्यादा स्कूल बसों की चेकिंग की गई। इसमें से कई बसें कंडम मिली तो ज्यादातर बसों में फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला। जीडी गोयनका स्कूल की 5 बसों को विभाग की टीम ने इम्पाउंड कर दिया। अब एक सप्ताह तक यह अभियान चलेगा और रोजाना स्कूल बसों की चेकिंग की जाएगी। रोहतक में तेल डलवाने के बाद भागे युवक, पेट्रोल पंप संचालक ने पीछा किया तो गाड़ी को मारी टक्कर, सीआईए की मदद से पकड़े। रोहतक के गांव समर गोपालपुर पेट्रोल पंप से बिना पैसे दिए कार में तेल डलवाकर युवक भागने का मामला सामने आया है। जिनका पेट्रोल पंप संचालक ने अपनी गाड़ी में पीछा किया तो आरोपियों ने गाड़ी को टक्कर मारी और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि आगे सीआईए की टीम होने के चलते दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। रोहतक के प्रीत विहार निवासी वेदपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी के नाम से गांव समर गोपालपुर में पेट्रोल पंप खोल रखा है। उन्होंने पेट्रोल पंप पर गांव निडाना निवासी पवन को सेल्समैन तैनात किया हुआ है। वीरवार को उनके पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी तेल डलवाने आई, जिसमें 2 लड़के सवार थे। वहीं उन्होंने 3200 रुपए का तेल डलवाया और बिना रुपए दिए वहां से भाग गए। फतेहवाद का युवक ईरान में फंसा, वर्क वीजा पर अमेरिका भेजने का झांसा दिया, मारपीट कर 6 और युवकों के पासपोर्ट छीने। हरियाणा के फतेहवाद के टोहाना क्षेत्र में कबूतरबाजों ने एक युवक को अमेरिका का सपना दिखाकर ईरान में अवैध रूप से भेज दिया और वहां उसे बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा। आरोपियों ने युवक के परिजनों से उसकी बात करवाकर 25 लाख रुपए मांगे। रुपए न देने पर उसे बुरी तरह पीटते रहे। युवक टोहाना क्षेत्र के में तैनात पुलिस एसआई का बेटा है और उसके अनुसार वह अकेला नहीं, उसके साथ 6 अन्य युवक भी फंसे हुए हैं। टोहाना सिटी पुलिस ने युवक के पिता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 323, 341, 384, 387, 406, 420, 506 के तहत मामला दर्ज किया है। उधर जब मामला एसपी आस्था मोदी के संज्ञान में आया तो उन्होंने विदेश मंत्रालय और इंडियन एम्बेसी तक यह बात पहुंचा दी, जिसके बाद सभी युवकों को इंडियन एम्बेसी में सुरक्षित रखवाया गया है। 6 अन्य युवक हरियाणा के अन्य क्षेत्रों से बताए जा रहे हैं। जींद में बैंक के बाहर बुजुर्ग के 25,000 रुपए उड़ाए, खुद को तहसीलदार बताकर मिला था ठग, कोल्ड ड्रिंक पिलाकर किया बेसुध। हरियाणा के जींद में बैंक से रुपए निकलवाकर जा रहे बुजुर्ग को एक व्यक्ति ने जाल बिछाकर फंसा लिया और खुद को तहसीलदार बताकर उससे 25,000 रुपए ऐड कर फरार हो गया। बुजुर्ग का कहना है कि उसे कुछ पिलाया था, जिसके बाद उसे होश नहीं रहा। सपीदो पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव मलिकपुर निवासी जोगा सिंह ने बताया कि बुधवार को वह पंजाब नेशनल बैंक में रुपए निकलवाने के लिए गया था,
बैंक में काफी देर तक इंटरनेट नहीं चल रहा था, इसलिए वह बैठ गया। कुछ देर के बाद उसके पास ही एक व्यक्ति आकर बैठ गया। उसने खुद को सफीदों का तहसीलदार बताया। उसने कहा कि 10 लाख रुपए करीब कैश जमा करवाना है और बैंक में कैशियर भी उसकी बेटी है, वह रुपए निकलवाने में उसकी मदद कर देगा, लेकिन सर्वर डाउन है। भिवानी में वित्त मंत्री जेपी दलाल का जज्बा पर अटैक, बोले अजय चौटाला दूसरे पर आरोप लगाने से पहले खुद में झांके। हरियाणा के भिवानी पहुंचे वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भाजपा की जीत और मोदी के तीसरी बार पीएम बनने का दावा किया। साथ ही गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोपों को पलटवार किया। उन्होंने महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे पर शोक प्रकट कर इसे दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा में बीजेपी के ज्यादातर प्रत्याशी कांग्रेस से इम्पोर्ट करने व नवीन जिंदल द्वारा प्रचार छोड़ विदेश जाने के सवाल पर जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी ने सोच समझ कर प्रत्याशी उतारे हैं। साथ ही कहा है कि बीजेपी में प्रत्याशी ज्यादा महत्व नहीं रखते, लोग मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने को लेकर वोट करेंगे। हरियाणा में सेलिब्रिटी चेहरों पर दाव खेलेगी कांग्रेस। बीजेपी को हराने के लिए बनाई रणनीति, गुरुग्राम से राजबब्बर की उम्मीदवारी लगभग तय। हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत सीनियर नेताओं के चुनाव से किनारा करने के बाद कांग्रेस सेलिब्रिटी कार्ड खेलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा को दूसरी बार सभी 10 सीटें जीतने से रोकने के लिए सेलिब्रिटी चेहरे कैंडिडेट बनाए जा सकते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां भाजपा मजबूत स्थिति में है। इन्हीं में एक सीट गुरुग्राम है, जहां से 5 बार के सांसद और अहिरवार इलाके के मजबूत नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भाजपा के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस यहां से राजबब्बर को टिकट दे सकती है। सूत्रों की माने तो राव की सियासी ताकत को देखते हुए हाईकमान इस पर फैसला ले चुकी है, हालांकि राजबब्बर ने इसको लेकर कुछ कहने से इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक किसी भी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अंबाला में 2 बच्चों की मां लापता, सुबह काम के लिए निकली वापस नहीं लौटी, सहकर्मी बोला ड्यूटी पर भी नहीं पहुंची। हरियाणा के अंबाला से 2 बच्चों की मां संदिग्ध हालत में लापता हो गई। महिला घर से काम के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। पति ने जब महिला की सहकर्मी से पूछा तो पता चला कि उसकी पत्नी काम पर भी नहीं पहुंची, जिसके बाद पति ने अपने सत्र पर हर जगह तलाश की लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा। पति ने पड़ाव थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। गांव चंद्रपुरी निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी 9 अप्रैल की सुबह 9:30 बजे शहर बाजार में और प्राइवेट नौकरी के लिए निकली थी, लेकिन रात को छुट्टी के बाद भी वापस नहीं लौटी। चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने उबर पर लगाया जुर्माना, 27 रुपए अतिरिक्त लेने का मामला 2022 में की थी शिकायत। चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने ऑनलाइन कैब बुकिंग ऐप उबर से टैक्सी बुक करने पर चालक के द्वारा 27 रुपए एक्स्ट्रा लेने पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने माना है कि इसमें कंपनी की तरफ से लापरवाही की गई थी, कंपनी ने ग्राहक की बात नहीं सुनी, इसलिए यह मामला लापरवाही का बनता है। शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रुपए और मुकदमा खर्च के तौर पर 3,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है।